Thank you.
तेरे पुरुषे प्यारे मैं लाड लदाया उल्ले चुके बार तू हर पिता माया सोहेलक आवण तेरा बिकम पावन मान तान करो तेरा हो जानो अपा सभी मद सभी ते बार बेमोताज बापा पिता हो जानो नाई तेरी कमजोरता बंदर मुख संतो रखा मेरी ममता पयो कृपाल ठाकर रहो आवन जाना नानक गुरमिल पार ब्रह्म पसाना तेरे भरोसे जी मैं लाड लदाया तेरे भरोसे जी मैं लाड लदाया चारों मन रे
मनरे प्रभु की शरण विचारो। जय सिमरत गण का सी उदरी ताको जस उर तारो अटल पयो त्रूंजा कै सिमरन अरनिर पै पद पाया दुख हरता बिद को स्वामी तै काहे विसराया। परम सत्कार योग साध संगत सारी संगत अपने ख्याल इस तरह रोको जैसे कोई लायक विद्यार्थी कोई अपने निशाने मुख रख के कॉलेज की क्लास स्कूल की क्लास अटेंड करता है। पूरा ख्याल लेक्चर सुन वाल होता है। ओ लेक्चर दे विच विख्यान दे विच सारी जमात दियां थ्योरियां आ जांदियां ने। जितने भी सब्जेक्ट हुंदे ने ओ क्लास दे विच हुंदे ने। सारी सब्जेक्टां नूं पास करना पैंदा है फिर विद्यार्थी क्लास तो पास होके अगे जांदा है। जद इन्हों दुनियावी छोटिया छोटिया पढ़ाइया का जिहड़ी सिर्फ चौपड़ी रोटी दे सकती है पढ़ाई चंगा कपड़ा मकान दे सकती है इदों वध कुछ दे नहीं सकती। उन्हां नूं इन्ने गौर नाल सुन के पास होया जांदा है। ये तो एक वड्डी पढ़ाई है। ये गुरबाणी दी विचार परमार्थ विद्या पढ़ाई है। ये ऐ नहीं भी आपां नितनेम करी जाओ तो गिणती च गठां देई जाओ इन्ने पाठ करते सुखनी साहब दे इन्नी माला करती हैं। कुछ समझना ये विच्चों ये विच कुछ सिख्या है गुरु जी की सानू सिख्या की है। ये विच पई प्राप्त मानख दे हुरी है मुख निशाना है।
बाकी सारी पढ़ाई इस नूं समझन खातर है। पई प्राप्त मनुख दे हुरी अगो मिल की इह तेरी वरी आ। मुख नशाना जिवें बच्चे दा पास होण वास्ते हुंदा है, मुख नशाना जन्म सफल करन वास्ते है इहदा। बाकी सारी थ्योरी जिवें क्लास दे पास होण वास्ते सारे सब्जेक्ट पढ़ने पैंदे ने, पास होना पैंदा। इस तरह सारे ही तरीके गुरबाणी दे वेद शास्त्र ने धार्मिक सिक्ख्या जिहड़ी सारी ही समझनी पैंदी है, फिर समझ के उन्होंने सौखा हल किया जाता है। इस करके सारी संगत मन चित ला के वाहिगुरु दा जस करो ताकि समा सफल होवे और समझ पै जावे सानू कुछ ना कुछ, यूं फरमान करदे ने गुरबाणी दे विच। सतसंगत मेला दो कणियां, सतसंगत मेला दो कणियां, एक कड़ी आधी कड़ी आधी हूं ते याद भक्तन सेती गोष्टे जो किन्ने सो लाभ। गुरु नौवे पातशाह महाराज जी गुरु तेग बहादुर जी फरमान कर देने रे मन, जे कुछ सुख लेना है तो वह प्रभु की शरण पै और नंकार गुरु अंतरजामी के चरणा ते डिग, उदी शरण पै, उदी शरण पैया तो सारे दुखों का नाश हो जाता है, तमाम इच्छा पूरिया हो जांदियां ने, नाल दी नाल इहदा सफर भी मुक जाता है। जिवें गणका दा मुक गया सफर, 84 तो बरी हो गई सफर मुक गया, नहीं कई जन्म कीड़ा पतंगा बनता फिरदा है, हाथी घोड़ा बनता फिरदा है, पत्थर बनता फिरदा है, दरख्तों दूना च आता फिर है। यह सफर है, मुसाफिर तुरै फिर 84 भोगदा। यह मुसाफिर जीव इस चैन आ जाती है, जन्म सफल हो जाता है, परमेश्वर के मिल जाता है, यदा आवागमन मिट जाता है, नाले तमाम इच्छा पूरिया सारिया सारे सुख प्राप्त और नाल दी नाल आपका जन्म सफल हो जाना। वाहिगुरु की शरण डिग्या का यह मतलब, कोई भी डिगे, सियाणा डिगे भावें कोई बच्चा डिगे, वो शरण ओटासरा तके वो सारे इको जी देखता है। यह नहीं है भी संसारी स्कूला कालजा वगू किसी नाल ले जाके दाखिल लेना कहू, नहीं ये नहीं, सिर्फ महापुरशों की मदद की लोड़ होंगी है। ये पूर्ण महापुरश जोड़े रस्ता समझा देन, उन्होंने मदद तो बिना तो नहीं रस्ता लभदा, और किसी वोट आसर की लड़ नहीं है। वाहगुरु की शरण डिगया तो तरू 5 साल का बच्चा ही सी, 5 साल के बच्चों तो कोई सोझी नहीं होंगी, धौला झाटा आ जाता है, फिर भी नहीं है नाम जपद, फिर भी यदि तिशना की मधाणी घूमती रही है, जिम्मे मधाणी घूमती होंगी है ना,
इस तरह की घूमती है मन वृत्ति भी ओ करना ओ करना अखीर तक समझ नहीं पैंदी इस नूं। पर वाहिगुरु के प्यारे नूं जिन्हां ते कृपा है उन्होंने छोटी छोटी उम्र ची समझ पै गई। कारण बनना हुंदा कोई बीमार हुंदा है तां वाहिगुरु वल नूं चुकदा, कोई दुख हुंदा है, कोई मुकदमा पैंदा है, कारण बराग लग जांदा है। ध्रुव नूं कारण लग्या, ध्रुव सतजुग दे विच होया सात संग 43 लाख 20 हजार वर्ष हो गए ध्रुव नूं। देखो अजकल दे राष्ट्रपतियों नूं 5वें साल ही भुल जांदे ने, दुनिया पता नहीं कौन है, क्यों इहो जी वो बैठे ही इहो जी थां ते हुंदे ने। उन्हां दा संबंध ही झूठियां चीजां नाल हुंदा है, जां झूठियां चीजां दा आप कोई पिड़ नहीं है, आप कोई ठिकाणा नहीं है। बिनसर वाली चीजा ने आसरे वाला भी वह जी होगा। वह वाहगुरु अमर है, वह सदीमी है, पहला भी सी हुण भी है अगे नूं भी, उहदे रंचक मात्र फर्क नहीं, उहदे नाल जुड़न वाला भी उही बन जांदा हुंदा है। जिन हर जपिया से हर होए, जिन्हां ने परमेश्वर दे भगती करके उहदे विच मिल गए उहदा रूप ही बन गए नेंगे। ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार इस तरह ध्रुव नूं सतयुग दे विच होया। इतना समा हो गया पर उहदा जीवन अज आए है कोई जिवें सूरज चढ़दा दिंदा हुंदा सब नूं ग्रंथा वेद शास्त्रां गुरबाणी दे विच आए है। 5 साल दे बच्चे की कमाई कीती वई, पता नहीं किन्नियां कुलां नूं तार दित्ता उसने। उदान पाद दा लड़का होया ध्रुव सतयुग दे विच, राजा उदान पाद सी। उहदे 2 वैसे राजे लोगों के कई कई होंगे ने। ध्रुव की माता बड़ी राणी सी, उदू छोटी राणी ब्याही, वो लल्ले फफ्फे ला के उन्होंने इच्छा सी मैं पठराणी बना, मेरी दुनिया वड्याई करे, मैं राजे के खास महलों च जावा। पठराणी राजे के खास महलों च रही है हर वक्त, दूजे राणिया आम महलों च होंदिया नेगी, और राजमाता बनती है वह जो पुत्र राज मिल जाए तो कितना बड़ा दर्जा होंगे वह। उन्हें बच्चे नूं जन्म देना सी, ध्रुव की माता ने भी ध्रुव नूं जन्म देना थी बच्चे नूं। उहदी इह कोशिश सीगी छोटी राणी दी भी बच्चे जन्म तो पहला पहला मैं बड़ी राणी बन जावां, तां कि मन मर्जी दे बड़ां बधाइयां बंडा आपदे पुत्र नूं राज दवावां। इहो जी इच्छा दे नाल ध्रुव की माता भगतनी सी। वह जिथे इन्हां पदार्थों की इच्छा दुनिया करती है उस नूं इच्छा रहिंदी थी हर वक्त वह परमेश्वर की बंदगी करन दी। हे वाहिगुरु तै मेरे ते कृपा कीती, मैं पठराणी बनी बैठी हाँ, दुनिया मैनू सलामा करती है, मैं गरीबां दे दुख सुन के उन्होंने सुखी करती हाँ, तैं मैनू एडा ओहदा दिता तां उह शुकर करती सी। पर दूसरा वह कहती सी मैं राणी बन जावां, उन्हूं नाम लैण दा सवाल ही कोई नहीं। भगतां ते संसारियां दा टकराव रहिंदा हुंदा है, भावें इक पिंड च होण भगत लोग ते निंदक, एक घर दे विच होण ख्याल ना मिलदे होण, उन्हां दा मिलाप नहीं हुंदा, जोड़ नहीं हुंदा है। कहण लगे जोड़ कदे ना आया जी भगतां ते संसारियां दा, जोड़ कदे ना आया जी भगतां ते संसारियां दा। I'm not gonna lie.
रानी बन गई पटराणी, बन गई छोटी रानी। ध्रुव की माता नू आम महलों च भेज दिता, आम कोठियां च। उत्थे ध्रुव ने जन्म लिया। उहदी मतेई ने पटराणी ने बधाइयां वंडियां तां सी, पर बहुतियां ना दुनिया च जाहर ना कीता वी थोड़ा ही समा मैं भी बच्चे नू जन्म देना है, मेरे मुंडे दीयां वधाइयां दूर तक सुन लोग कहण भी इह वड्डा है। फिर उसने भी जन्म दिता आपदे पुत्र नू उत्तम नू। ओदियां बड़ा बधाइयां बनदी रही, बड़ा लोकां नू दान कीता, दुनिया च दस दिता वी इक पुत्र जम्मे राजे दे। ਧਰੂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨ ਵਧਾਈਆਂ ਵੰਡ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈ। ਪੰਜ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚੇ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਧਰੂ ਦੀ ਮਤੇਈ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਚ ਹਰ ਵਕਤੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਬੁੱਕੜ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ, ਆਪਦੇ ਬਾਪ ਦੀ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਧਰੂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਨਾ ਧਰੂ ਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੂੰਹ। ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਰਾਣੀ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਜਦ ਧਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖੇਲਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਧਰੂ, ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨਾਲ। ਪਰ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਲਾ ਲਿਫਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਆਮ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਰਗਾ ਲਿਫਾਸ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਖੇਲਦੇ ਖੇਲਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਿਆ। ਦਰਬਾਰ ਬਰਖਾਸਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰੂ ਹੈ, ਖੇਲਦਾ ਖੇਲਦਾ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ੀਆਂ ਵਸਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਟਦੇ ਨੇ, ਟੱਪਦੇ ਨੇ, ਖੇਲਦੇ ਨੇ। ਰਾਜੇ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਕਿਤਨੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਨੇ, ਰਾਜੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਮਸਤ ਹੋਏ ਲਿਬੜੇ ਤਿਬੜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਐ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਧਰੂ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਧਰੂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਸਿੱਖ ਚ ਪੈ ਗਈ, ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਵਾਕਫ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰਾ, ਧਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਕਰਮ ਪਿਛਲੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਤੀਸਰਾ, ਭਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਿਆ ਹੋਇਆ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ। ਦੇਖਦਾ ਦੇਖਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਪੁੱਛੋ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਲੜਕਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਦੇਖਿਆ ਨੀ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਬੁੱਢੀ ਰਾਣੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾ ਧਰੂ ਹੈ। ਬਸ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕਦਮ ਬਰਾਗ ਉੱਠ ਖੜਿਆ ਵੀ ਲਾਣਤ ਹੈ ਤੇਰੀਆਂ ਰਾਜਗੱਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਲਿਬੜਿਆ ਤਿਬੜਿਆ ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲੇਸ ਤੇਰੀਆਂ ਰਾਜਗੱਦੀਆਂ ਦਾ। ਆਪ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬਰਾਗ ਚ ਆਏ ਨੇ, ਅਜੇ ਗਲ ਭਰ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਚਸ਼ਮੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਚੱਕ ਦੇਵੇ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੱਲ। ਇੱਥੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਬਰਾਗ ਨਾਲ ਗਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਧਰੂ ਨੂੰ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਚੱਕਿਆ, ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆ ਕੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ ਵਾਰ ਵਾਰ, ਕਦੋਂ ਤੇ ਲਿਬੜੇ ਪੈਰ ਦੇ ਸਾਲੇ ਨਾਲ ਪੂੰਝਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਮੂੰਹ ਪੂੰਝਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਰਾਜਾ ਗਲ ਭਰਿਆ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਉਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਪਤ ਧਰੂ ਦੇ, ਬੱਚਾ ਚੱਕ ਕੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਗੋਦ ਲੈ ਲਿਆ, ਬੱਚਾ ਚੱਕ ਕੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਗੋਦ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ, ਲਾਡਲ ਲਾਲ ਮਾਤੇ। ਬੱਚਾ ਚੱਕ ਕੇ ਪਿਤਾ ਨੇ
हसदा कर आया कर प्यार पे कुछ छड़ लीता। भाई गुरदास जी गुरु घर दे वेद व्यास फरमान करदे ने तरू नूं तरू दे बाप ने चक के अपनी गोद च लै लिया, गोद च लै के प्यार करन लग गया। कोई बहुता समा नहीं लग्या, तरू दी मतेई महिला खड़ी गैलरी च टहलदी आ, उहने देखिया बच्चा है कोई राजे दी बुक च, देखदी आ वी मेरा पुत्र होवेगा होर कौन होवेगा। देखदी अंदर पिंगे ते सुत्ता पिया उहदा पुत्र उत्तम। फिर ख्याल सोचदी है वी कौन होया राजे दी गोद दे विच, इहदा राजा बार बार प्यार करदा, छाती नाल लाउंदा, कदों दा मूंह चुम्मदा है, कदों उहदे पैर पूंझदा, कौन होया है। दिमाग दे विच फतूर दी नेरी उठण लग गई। फिर नेड़े लगदी है वी देखां कौन होया, किते ਉਹ ਵੱਡੀ ਰਾਣੀ ਦਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ੌਕਣ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਧਰੂਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਦੇ ਬਾਪ ਦੀ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹੋਈ ਨੇੜੇ ਲੱਗੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਵੀ ਕੌਣ ਆ ਰਾਜੇ ਦੀ ਬੁੱਕਲ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਤੇ ਧਰੂਨ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਬੁੱਢੀ ਰਾਣੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਧਰੂਨ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਅੱਗ ਵਰਗੀ ਸਿਰ 'ਚ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕੀ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇ ਉੱਥੋਂ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕੀ, ਬੇਬਲ ਹੋ ਗਈ, ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ, ਨੇੜੇ ਲੱਗੀ, ਨਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਰਾਜਾ, ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਚੜ ਗਿਆ। ਧਰੂਨ ਦਾ ਪੌਂਚਾ ਫੜਿਆ ਰਾਜੇ ਦੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਬੈਠੇ ਦਾ, 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਿਆਣੇ ਮੂਹਰੇ, ਝਟਕਾ ਮਾਰਿਆ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਇੱਕ ਉਧਰੋਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਇਸ ਬੁੱਕਲ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਸੀ ਉਹ ਕੱਡੀ ਵੱਡੀ ਦੇ ਪੇਟੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਨਮ ਲੈਣਾ, ਮੇਰੇ ਪੇਟੋਂ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਹੈ? ਤਦੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਪਿਓ ਦੀ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ ਬੱਚਾ, ਹੋਰ ਕਿਹਦੀ ਬੈਠੇਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਟੱਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੂੰ ਰੋਂਦਾ ਰੋਂਦਾ ਬਾਹਰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ,
मन दे उपर भी मेहनत है चेले मंगू बचन खुब गए भी क्यों मेरे मां नूं क्यों बुरा कहा गया मेरे क्यों मारे गए मैं कड़ा आप दे आप बैठा सी किसी दी कुछ ऐ करदा जब पता लग्या लोकां नूं तरूं रोंदा जांदा बच्चा ने दस्या भी इहदी मतेई ने कुट्टिया बाप दी बुक्कल चों बाहर कढ दित्ता सारे लोग हैरान ने भी हैरान है इह रिश्ते है तां भैणां भैणां दा रिश्ता पर जे विचाले अग लग जावे फिर तां इह सौकणा दा ही है फिर तां वड्डा दुश्मन बन जांदा है सारी संगत यह कहती है भी बाहों पकड़ उठा लिया मन विच रोस मतरेई कीता भाई गुरदास जी कहणगे मतेई ने इन्ना गुस्सा किया तरू नूं बाहों फड़ के बाहर कढ दिता तदे भाई गुरदास जी फरमान करदे ने ना कुंडिया मतेरा मामा बुरियां कुंडिया मतेरा मामा कुंडिया मतेरा मामा बुरियां कुंडिया मतेरा मामा नियम तेरा मामा नियम तेरा मामा नियम तेरा मामा नियम तेरा मामा बाहों पकड़ उठा लिया मन विच रोस मतरेई कीता नड्डो लिक्का मां पुछे तू सुहानी है कि सुनीता तूनू रोंदा रोंदा घर चलिया जांदा अज पहला चांस है तू रो रो रोंदे नूं उहदी मां ने देखा बुढ़ी राणी ने आके बुक चलिया पुछदी है भी बेटा की हो गया अज क्यों रोंदा किसे नाल लड़ पिया जां कोई सट वजी बच्चे भी नाल ही ने उवें जिवें सारे तू अपनी मां ते सवाल कर दिंदा है दुखी होया बंदा पुछ ही लैंदा है कहणगे माता जी तुसीं मैनूं रोज ही कहने हो भी तू राजे दा पुत्र है मैं राणी हाँ भी ये की गल झूठी है गल सच है ना तो सोडा कोई राणिया वाला लिबास जिंदा मैनूं राणी तो वह थी जिहदे नौ नौ लखे हर झलमल झलमल दी करदी आई सी जिन्हें मैनूं कुट्टिया उन्हूं तां राणी मन जा सकदे सोडा तां लिबास राणिया वाला है नहीं ना ही निवास घर है राणिया वाला ना ही मेरा साहजादियां वाला कोई आदर है मेरे थप्पड़ पैंदे ने की गल ये सच्ची है डड्डो लिक्का मां पुछे तू सुहाणी है कि सुनीता माता जी कितें छोटे दर्जे की राणी तो नहीं तुसी छोटे दर्जे दियां कौन हुंदियां ने गोलियां तो राणियां बन जांदियां ने चंगी अकल वालियां चंगी शकल वालियां चंगे प्रेम वालियां वफादार लड़कियां नूं राजे राणियां बना लैंदे ने गोलियां नूं कितें उस दर्जे की राणी तो नहीं है भी तां निरादर है अपना अपनी मां ते प्रश्न कर दिंदा है धरू साध संगत जी तू राणी है तो गोली मेरे बाप दी सच सच माता मेरी तू राणी है तो गोली मेरे बाप दी सच सच माता मेरी
भाई रोंदे रोंदे ने ए माता ते सवाल कर दिता। तो माता ने पूछा तू रोंदा क्यों, ओदा जवाब नहीं दिता। पहला माता ते सवाल पैदा कर दिता भी तुसी मैनू जवाब दो। माता कहन लगी बेटा मैं राणी ता जन्म तो ही हाँ, मैं कोई गोली बन के राणी नहीं बनी। तेरा नाना राजा थी, मैं ओदे घर सहजादी बन के जम्मी। सहजादियां दे संबंध राजे नाल ही हुंदे ने, राणी है मैं जन्म दी। कह लगे माता जी फिर अपने निरादर क्यों, सोडा भी निरादर है मेरा भी निरादर हो, एदा की कारण। तो कहने लगे भाई ये तो जिहा जा कोई बीजदा ओह जा बढ़दा है, परमेश्वर का इंसाफ ही ऐसा है। प्यारे सतगुर पुरख अगम है भाई किसी का कसूर नहीं तू। माता कहने लगी मेरा भजन कर दी दा, भगती कर दी दा, कोई ऐसा कर्म गया जेड़े कर्म दे नाल हंकार चिंबड़ गया, वो कर्म निफल हो गया, हंकार का नतीजा मैनू मिलिया। तेरा भी भगती कर दे दा, ऐसे कर्म आ गया, तेरा एक राजे दे घर जन्म हो के किथे बग्गियां ते टहलना थी किथे कुट पैंदी है। जिवें मैं राणी बन के हुण गोली बनी बैठी है, कर्म ने पहला राणी नहीं बनाती, कर्म ने मैनू गोली बना दिता, किसे नू की दोष देना है। ये तो अपने कर्मों का दोष है। कह लगे राणी बनके बनी मैं गोली, राणी बनके बनके बनी मैं गोली, पत्ते च पैज पंगना लाल मेरे, लाल मेरे पत्ते च पैज पंगना राणी बनके। Thank you.
रानी हां मैं जन्म ली नाम ने भक्ति कर्म दृढ़ता कहने बेटा अपने कर्म च फर्क पै गया। एक राजे का पुत्र हो गए फिर प्यो की बुकल च नहीं बैठेगा, पर तू राजे का पुत्र है, तू राजा है, बड़ा है, तू अपनी मतेज के पुत तो बड़ा राजे लोग राज देंगे ने। जब इं दसा फिर और क्रोध सड़ गया ध्रुव, कह लग गया मैं राज का मालिक, मैंने बाप के बुकल चो उठा दिता। उस वक्त ही कह लगा माता जी फिर मेरा राज मैं किमें मिले, 5 साल का बच्चा, मैं अपना राज लेना फिर मैं कुटनी खानी, दसो मैनू किमें राज मिलेगा, किस उदम ते राज मिले। राज भी मैं ऐ नहीं कुटन लड़न वाले नू मार के उन्होंने खत्म करके राज लवांगा, ये नहीं, जब मेरा है मैं क्यों कलेश कर, मैनू प्रेम दे नाल ही मैनू मेरा हक दे देण, वह तरीका दस, लड़ाई वाला तरीका ना दस। माता कहने लगी एक राज की बेटा जो कुछ मर्जी परमेश्वर तो मंग ली, पर परमेश्वर की भगती करनी पऊ तेन। नाम हरि दा जप ले सब कुछ मिल जू, सब कुछ मिल जू, नाम हरि दा जप ले सब कुछ मिल जू, सब परमेश्वर आराधी है, वाहगुरु नूं याद कर ला, सब कुछ मिल जाएगा। राज की बहुत कुछ है, सब कुछ ले ली,
उसे भक्ति तू हथ बन के कह लगा माता जी फिर आज्ञा दो कि तेरु पढ़न जाके बंदगी करिए रब न खुश करिए राज लीए छेती तीव्र विराग सी होता तो उसे भक्ति माता ने मोह जाग पा भी तेरे आश्री में भक्त कट दी है एक पुत्र दे प्यार दे विच राज गद्दियां दा कोई असर नहीं भी मेरे तो खोजा गईया कहने भी बेटा बहुत बैगरू इतने ही प्रसन्न हो सकता तू इतने घर रह के नाम जपला माता तो रात में सौ जाती है ध्रुव सात सिंह जी नींद नहीं आती जिसे लग जाए कोई सट्टा लग जाए भावें हमदर्दी आले दुआले जिन्हें मर्जी बैठे हो हमदर्दी हादा नारा मारते होने भी तेरे सट लगी पर जेड़ी चीज लगन वाले नूं पता ना किन्नी क पैंदी है हमदर्दी नूं नहीं पता है हुण ध्रुव ने तां मेहणे दी सट वजी है मन दे उपर जख्म हो गए और थप्पड़ मूंह ते लगे ने निरादर होया वह बेचैनी दे विच नींद किवें आ जावे लागी हो सजाणा पीर जी दी सट लगदी है सट दा उसे नूं पता लगदा दूजे नूं नहीं पता हुंदा है जितन लगिया सोई तन जाए किसे भी लगी कान जाने जितन लगिया सोई तन जाए किसे भी लगी कान जाने माता सुती पई है ध्रुव नूं नींद नहीं आउंदी रह ना सका ध्रुव ने उठ के अपनी माता दे चार चपेरे आदर किया परिक्रमा की पैरों वाले नमस्कार करके बाहर निकल जाता है बाहर चलिया करन तब मन वैरागी होए अतीता किसे दा नहीं एक परमेश्वर दा ओट आसरा तकिया किसे दा ओट आसरा नहीं रखा पांच साल दे बच्चे ने सारे आसरे छड़ के महलों चो बाहर निकल जाता है भाई गुरदास जी कहंदे ने तप करन चलिया वाहिगुरु की बंदगी करन चलिया है मन दे विच बहुत ज्यादा विराग है रोंदा है अखां चो पानी गिरदा है मन हो के ते वैरागी उठ चले मन हो के वैरागी उठ चले Thank you.
मन भरे के बलानी उड़ यो मन भरे के बलानी बाल कल्या करूं तब मन बैरागी होए अतीता उधर परमेश्वर ने नारद मुनि नु प्रेरिया ब्रह्मा दे पुत्र नु ऋषि नु नारद मुनि नु कहा नारद तू नु बैराग लग गया मतेई ने बेइंसाफी कीती कुटिया जा वो मेरी भगती करन वास्ते चलिया करो और इच्छा उहदी राज लैण दी है और राज भाग दे विच जाके तू विचोला बन के उन्होंने सुलह सलाह कराया जो ना मुड़े कहीं मैं परमेश्वर में मिलना है फिर राज भाग लूंगा तो फिर मिलने मेरे मिलने का तरीका दसिया परमेश्वर के पैरों तो तरीके मिलते हैं जिन्होंने कमाई की होंगी उन्होंने तो मिलते होंगे ने लिखे गुरबाणी च ने गुरु जी ने सारे तरीके वेद शास्त्र लिखे ने पर पढ़ के कले किसी को लभे नहीं हैं रस्ते समझ ही नहीं पैंती होंगी बुद्ध अपनी यही जी होंगी नहीं गुरमत बहुत उच्ची है बचाले जो विचोला होंगे वह अद्धी मत अपनी ले लैंदा है अद्धी मत गुरु की ले लैंदा है वह समझा दिता जो मास्टर सवाल समझा देंगे ने सवाल अपने आप किताबें जिनी मर्जी पंड बन ले किसी को सवाल नहीं हल हो किसी तो इस तरह अपने आप ही रस्ता मिलता नहीं है कितना ही कोई श्रद्धालु हो कितना बैरागी होरीद जिन्ना तो बैराग किसी होया नहीं कामों मास खवा लिया फिर भी नहीं मिले कोई रस्ता महापुरुषों से लड़ लग के उस कितनी अवस्था प्राप्त हुई हाँ तभी गुरु जी ने फरमान किया ने जिस मुखर को लैन तू आया राम नाम संतन कर पाए संतों को वस्तु जी तू लैन वास्ते मुक्ति और नाम की दात पर ऐनी हूँ आकड़ नहीं मिलती संतों के नाल कहने कोई वरतना पैदा तरीका वो तरीके के नाल फिर नाल चलना पू फिर मिली जाएगा रस्ता कोई बराबरी करके तो मिलता नहीं कहते लाद खेप संत संघ चाल अमर त्याग विख्या जंजाल सारे छद के संतों ने बचन से पहरा दे दे तेन सारा कुछ ही मिल जाएगा गुरु जी कह इस तरह ध्रुव प्रेरण वास्ते समझाने वास्ते नारद आ जाता है नारद ने मूहरों आके घेरिया रोंदे बच्चे दौड़े जाते रुकता नहीं है अखीर उसने घेरी लिया चिप्पी च लै लिया अखा चो पानी गिरदा है चश्मे मंगू कहना छड़ो बाबा जी तुसी मेरे तो की लेना है अद्धी रात है छड़ो मैनू कहने लगे इन्ना तेनू रोन क्यों आया क्यों तेन इन्ना बराग आया पहला यह दस तू चलिया कितने नू की करन चलिया वो कहना परमेश्वर की बंदगी कर चलिया मैं कोई चोरी कर चलिया छड़ो मैनू तुसी तै मेरे तो की लेना कहने नहीं नहीं पहला यह दस भी तू इन्ना रोंदा क्यों है मैनू अपनी हालत दस नारद ध्रुव पूछता है साध संग जी लग्या बराग नैनी उमरे तू लगिया लग्या बराग नैनी उमरे उड़े नानकिया नानकिया
सारी अपनी कहानी दसते हुए मैं खेलता खेलता अपनी बाप की बुक च अपनी बैठा, मेरे बाप ने चक के बुक च लै लिया। मैं तो कदे देखे ही नहीं सी, उदे पहले दिन देखे आपका बाप। फिर मैनू आके मतेई ने कुटिया, बैठे आने ही नहीं चाहिए तेनू। इस तरह नारद कह लगा है, तां इतिहास भरिया पिया है रिश्ते का। तो यह तो बुरी होंदिया ने कह लगे, सारिया एको दिया भी नहीं होंदिया, बहुत होंदिया ने चंगिया। पर बहुता बहुता ज्यादा मतेई नू बुरियाई दस्या है। कहणगे बुरी होंदिया ने भाई, जी मैं तेनू बाह पढ़ के दार कढ दिता ना, ये करदी इस तरह होंदिया ने गिया। बुरिया होंदिया ने मतेरा मामा Bye.
ਸਾਹਮਣੇ ਪਤਨੀ ਫੜ ਲਿਆ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਧਰੁਵ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਾਰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਚਲੋ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਤੂੰ ਚੱਲਿਆ ਕਿੱਧਰੋਂ ਏ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਸ਼ੇਰ ਵਗੇਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਰਦ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ, ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਗਤੀ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਹ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ? ਫਿਰ ਧਰੁਣਾ ਰਾਧਾ ਧਰੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾਰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਜੇ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵੀ ਸੁਲਾਹ ਕਰਾ ਦਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾ ਦੇ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਦਵਾ ਦੇ ਮੈਂ ਮੁੜ ਚੱਲੂ। ਧਰੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਰਦ ਧਰੁਵ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਦੇਖ ਰਾਜਨ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹਿੰਡ ਫੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਭੁੱਖਾ ਤੇ ਹੈ ਮਰ ਗਿਆ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ? ਰਾਜ ਟੈਂਸ਼ਨ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਕਣਾ? ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਚੰਗਾ ਦੋਨਾਂ ਰਾਣੀਆਂ ਦਾ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਦਾ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਰਾਜ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਮੋੜ ਲਿਆ। ਜਾਂ ਧਰੁਵ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾਰਦ ਨੇ ਵੀ ਚੱਲ ਅੱਧਾ ਰਾਜ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਲੈ ਲਵਾਂ ਅੱਧਾ ਰਾਜ ਜਦ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਾਜ ਸਾਰਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਨਾਰਦ ਕਿਹਾ ਦੌੜਿਆ ਦੌੜਿਆ ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਚਲੋ ਸਾਰਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਲੈ ਉਹਨੂੰ ਹੱਕ ਵੀ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਧਰੁਵ ਕੋਲ ਨਾਰਦ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਨਾਰਦ ਕਾਹਤੋਂ ਤਾਂ ਰੋਂਝਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਚੱਲ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਚ ਆ ਗਈ ਵੀ ਰਾਜ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਬੁੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲਾ? ਚਾਰ ਪਹਿਰੇ ਜੇ ਪੂਰੇ ਨੀ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਥੱਪੜ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਮਿਲਦਾ? ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਨੀ, ਮੈਂ ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਚਾਰ ਕਰਮਾਂ ਹੀ ਪੱਟੀਆਂ ਨੇ ਉਧਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਨੀ ਰਾਜ ਲੈਣਾ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਨਾਰਦ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਥੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਵਾਂਗਾ? ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਚ ਰਾਜ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਲਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਨਾਰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨੀ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ, ਕਿੰਨਾ ਰੋਈ ਜਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੂੰ ਭੁੱਖਾ ਤੇ ਹੈ ਮਰੀ ਜਾ, ਇਹ ਨੀ ਮਿਲ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਪਊਗਾ, ਰੱਟਾ ਲਾਉਣਾ ਪਊ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲੂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਨੀ ਮਿਲਣਾ। ਮਨਵਿਰਤੀ ਤੇਰੀ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇਗੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਸਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਵਿਰਤੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗੀ, ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ ਖਿਆਲ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਸਰੇ, ਸ਼ਬਦ ਪੈਦਾ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨਵਿਰਤੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਭਾਵ ਸਾਗਰ ਤਰਨਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬਖਾਣੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਣਾ ਮਿੰਤ ਕਰ ਕਰਕੇ। ਸ਼ਬਦ ਜਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਆਤਮਾ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਪਰ ਮਨਵਿਰਤੀ ਰਕਾਨ ਚੂੜੀਆਂ ਚੜਾਉਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਨਵਿਰਤੀ ਆਪਦੇ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨਿਵਾਸ ਹੈ ਅੰਦਰ ਖੱਟ ਨੇਮ ਕਰ ਕੋਠੜੀ ਬੰਨ੍ਹਦੀ, ਬਸਤ ਅਨੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਈ, ਇਹ ਛੇ ਨੇਮ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਬੰਨ੍ਹੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੂਪ ਵਸਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਜਨਮ ਧਾਰ ਲਿਆ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਕਤ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੋਰੀ ਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਰੀ ਆ। ਖੱਟ ਨੇਮ ਕਰ ਕੋਠੜੀ ਬੰਨ੍ਹਦੀ, ਬਸਤ ਅਨੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਈ, ਕੁੰਜੀ ਕਲਪ ਪ੍ਰਾਣ ਕਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਤੇ ਵਾਰਨ ਲਾਈ, ਅਮਨ ਜਾਗਤ ਰਹੋਰੇ ਭਾਈ, ਗਾਫਲ ਹੋਏ ਕੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਚੋਰ ਮੁੱਸੇ ਕਰ ਜਾਈ, ਪੰਚ ਪੈਰੂਆ ਦਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਿਲਕਾ ਨਹੀਂ ਪਤਿਆਰਾ, ਚੇਤ ਸੋਚ ਚਿਤਲਾ ਧੋਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਜਾਰਾ, ਨੌ ਕਰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਨਵਿਰਤੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਲਹਿਜੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀਤਾਂ ਚ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਮਨਵਿਰਤੀ, ਜਵਾਨ ਦੇ ਸਵਾਦ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਮਨਵਿਰਤੀ, ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਮਨਵਿਰਤੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੌ ਦਰਵਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਤੀ ਦਾ ਪਣਗਾ ਉਹ ਦਰਵਾਜੇ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜਕਾ ਸਕੀਏ। ਨੌ ਕਰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀ, ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਿਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਛਾਵਾਨ ਨੂੰ ਵਾਸਨੀਕ ਮਨ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਨਵੇਂ ਘਰ ਮੂਸੈ ਦਸਵੇਂ ਤੱਤ ਸਮਾਈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਤਮ ਤੱਤ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰ। ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਵਿਰਤੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਭੁਗਤਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਆਸਰੇ ਜਾਊ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲਿਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਸਾਰੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਅਖੋਖ ਮੰਤਰ ਦਾ
शब्द दे दिता 16 अखरों का ध्रुव नूं, जा कहने जिथे मर्जी बह जा तेनों परमेश्वर की मिलाप हो जाएगा। जाके ध्रुव ने भजन किया। पहला किसी का भी नहीं टिकदा हुंदा, पर बराग सी, बरागी बंदे का तो बहुत कुछ लै जाता। बराग एक किला है साहब तलब, जिवें किसी गलत बंदे नूं कैद दे विच पा के समझाया जाता है, राजे लोग समझाउंदे ने। इस तरह मन नूं कैद करना पैंदा है। मन का एक जो किला है, जो किले दे विच मन बढ़ जाए फिर यह सुधर जाता है। वह किला कहड़ा है? बराग है। जे तो बराग हो गया इस नूं फिर तो किले दे विच सुधर जाएगा। जे बराग नहीं होया, कितना तप कर ले, कितना पढ़ी जाए, कितने पाठ कर ले, कुछ नियम पुन बन जाएंगे, मिलाप नहीं होगा। नामे जोग ध्यान चित लाया, बिन बैराग में सूट समाया। बराग रूपी किले दे विच इहनूं सुहूर आएगा, समझ पवेगी। हाँ, वह बराग नूं पहले ही सी, इतनी मिहनत की ध्रुव ने, आखिर उत्थे मन पहुंच गया, ख्याल पहुंच गया जिथे कोई बुरनाई नहीं है। जाप मरे अपजा अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सुत समाई सुन में ताको काल न खाए। उत्थे सिमरन भी खत्म हो जाता है। उत्थे जाप जवान दे नाल जाप करना, जवान दे नाल नाम जपण नूं जाप कहिंदे ने, ख्याल दे नाल नाल जप नाम जपण नूं अजपा कहिंदे ने। अजपा तेज झटके हुंदे ने, जिवें तेज दौड़ के सफर मुकाई, एक हौली हौली तुरना, हौली हौली तुरना जवान दे नाल जाप, तेज तुरना, बहुत तेज तुरना, छेती छेती छाला मार के तुरना, उन्हूं अजपा कहिंदे ने। मनवृत्ति छेती जांदी है अगे, अजपा दे नाल उहदा ज्यादा फल है। हाँ, उत्थे जब पहुंचती है उत्थे फिर निर्वासनीक हो जाता, इन्हू कछ दी इच्छा नहीं रह जाती। ध्रुव आनंद च बैठ गया। परमेश्वर प्रगट होकर कहन लगा, ध्रुव चल राज भाग कर भाई। ध्रुव उस वक्त ही पलक खोलता है, दर्शन करता है, कहन लगा हुण मैनू राज की लोड़ नहीं है। तो मन के उपर जो मैल है वासना तदे ही इच्छा है। कपड़े ते जे मैल है ता ही मक्खियां बहिंदियां ने, मैल धोती भी मक्खियां नेड़े नहीं आउंदियां। मन जे मैला है तदे ही राज भाग मंगता है, सुरग मंगता है, कदे और कुछ मंगता है। मन मैले दी इंसानियां ने, जब मन शुद्ध हो गया कुछ नहीं चाहता, फिर की चाहता है? ध्रुव ने यह कह दिता, मैनू यह चीज की लोड़ है, मैनू कासे की लोड़ नहीं है। अद्धा अद्धा बोलो भाई जी, मैं राज मुक्त नहीं मंगता, मानिया बोलूंगी, प्रीति तेरे चरणा की भाई बोलूंगी। जी मैं राज मुक्त नहीं मंगता, राज में चाहू मुक्त में चाहू, मन पीर चल कमला रहे, महाराज मैनु राज की लोड़ नहीं है, दुख घर है उठ, नहीं तो तेनू मुक्त कर देगा वे राज भोग जाके, फिर तेन मुक्ति दे देगा। कहने मैं मुक्ति की भी लोड़ नहीं। जरा आनंद है यह बहुत बदके है, करोड़ा मुक्तियों का मालिक है, अवस्था है। तो अखीर परमेश्वर कह लगा, तू जिन्हों के सामने तू रोंदा तुरे अद्धी रातों, वो की कहे? पता मेरा नाम कौन जपेगा? तू तो आपकी मौत च बैठे, वो दुनिया ने तो आप महारा बोली जाना भी रब तो है ही नहीं, तू तो जानवर ने खा लिया होगा, मेरी बदनामी होगी, तेरा सारा कुछ ही सुख बनया रहेगा इस तरह ही, जा तू आपका राज भो। उस वक्त रूह हुक्म मन के परमेश्वर का घर में तुर पा, नारद ने जाके उसकी मतेई नूं दस दिता। क्यों? उन्हें कहा सी ना, मेरे जेड़े दुश्मन ने मैनू मित्रता नाल मेरा हक दे देन, हुण मित्रता दे नाल ओही मतेई जाके नारद ने कहा भी उन्हें परमेश्वर नूं प्रगट कर लिया, खुशी लै ली, राज परमेश्वर ने उसकी तकदीर च लिखा कि वह तो लैके मुड़िया आ रहा, नाल दी नाल बर लै लिया, सारे एक से कब दी कुल नूं तारन दा, जिन्हां विच तू भी है कुटन वाली, तेनों भी मुक्त कर दिता। उस वक्त ही खुश होगी, कह लगी है जे मेरा पुत्र है तो ध्रुव ही है। मतेई कहती आ उत्तम तो रोटी खाना, जिन्हें कुछ भी नहीं किया, जिन्हें कुलां तार दी, मेरा पुत्र ही ध्रुव है, वो ही परमेश्वर के नाम ने उन्होंने बैरी मित्र सब किए ने मंगे मंदा, बैरिया परमेश्वर के नाम मित्र बना दिता, राज भाग दे दिता उसने। ध्रुव ने सात सिंह जी 36,000 वर्ष राज किया, सबजुग का जमाना थी, लख लख वर्ष की उम्र सी। उस तो बाद सारे अपने कोड़ में कबूले में लैके सचखंड के सामने कलोनी बना के बैठा है। परमेश्वर की शरण लई का यह लाभ है,
कल भी विचार जो सर नहीं पापड़ ने वो बकुंठा नूं गई। गुरु तेग बहादुर जी कह लगे कल पर तू जाके सिमरन निरपय पद पाया, निरपय पद वह सदीवी मुक्त हो गया। वो पांच साल के बच्चे ने प्रभु की शरण ली, तभी गुरु जी सानू सिक्ख्या देंदे ने भी कोई भी शरण लवो दी सारे में ही इहो जिहा कुछ मिल गया जिहो जिहा उन्हां नूं मिलिया है। उपर समा हो गया है शरण बचारो मन वे प्रभु, शरण बचारो मन वे प्रभु, मन रे प्रभु की शरण विचारो, जय सिमरत गण का शिवगिरी तप जस पुर धारो, अटल पै तरु जाकर सिमरन अर निरपय पद पाया। वो परमेश्वर की शरण लैण वाले नाल किसी नाल बेइंसाफी नहीं हुंदी, बच्चा है भावें कोई सियाणा है उन्होंने की कमाई का हक जरूर सारे नूं मिल जाता है। वो सारे गुरसत जी गज वज के बोलो धन है धन है धन है गुरु नानक साहिब धन है, I'm gonna go to the hospital.
श्री वाहिगुरु तीन ताप निवारण हर दुख हंता सुख रास ताको विघ्न को लागे जाके प्रभाग्य अरदास अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं तीर्थम भगवती सिमर कह श्री गुरु नानक ले ध्याए विरंगत गुरते अमरदास रामदास हुए सहाय अर्जुन हर गोविंद नु सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ध्याई जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया घर नौनी दावै धाए सब ताई हुए सहाय दसवें पातशाह साहेब श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी सब ताई हुए सहाय। श्लोक महला दूजा आपे जाने करे आप आपे आने रास तिसे अगे नानका कलह कीचे अरदास सत श्री अकाल पुरख जी का ध्यान तर खालसा साहिब बोलो जी वाहिगुरु। दसा पातशाहियां दी जागदी जो धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे पाठ दर्शन दीदार जी का ध्यान तर खालसा साहिब बोलो जी वाहिगुरु। हजूर दे पंज प्यारे चार साहबजादे चाली मुक्ते पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारे ध्यान तर खालसा साहिब बोलो जी वाहिगुरु।
जिन्हें गुरमुखा ने नाम जपया वंड के सकिया धर्म हित शीश दिते देख चलाई तेग वाही गुरुद्वारे ने सिद्धार्थ कुर्बानियां कीतिया आविदा पहना मिठा करके मन्या इतना शहीद सिंगा सिंगणिया भजंगिया महापुरुषा शहीदा मरीदा कमाई का ध्यान तर खालसा साए बोलो जी वाहिगुरु। व्यर्थ में समूह खालसा जी की अरदास है समूह खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु नाम चितावे चितावन का सदका सर्व सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रक्षा रियायत देख देख फतेह व्यर्थ की पैज पंथ के जीत श्री साहेब जी साहे गुरु खालसा जी के बोल वाले बोलो जी वाहिगुरु। आप दे सिखा दा मानीवा मत उची मत पत के राखे आप अकाल पुरख वाहिगुरु सिखा नु सिखी दान रहत दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब दे पवित्र दर्शन इशनान चौंके झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार सच्चे पातशाह गुर सिखी सिदक केसा सुभाषा संग निभाओ जी। हे करुणा निधान सतगुरु महाराज जी आवी दे पवित्र हजूरी विच रात्रि दे दीवान सजाए हन कीर्तन वख्यान होए हन मेहरबान जो कीर्तन वख्यान करदियां अनेक ही प्रकार दी भुलां गलतियां होईयां माफ करो अगों वास्ते शुद्ध सपाट कीर्तन वख्यान करन दा बल उद्दम बख्शो मेहरबान जीओ। गुरबाणी द्वारा विचारां होईयां हन इन्हां विचारां दा भाव साडे कलयुग जीवां दे हिरदियां ते वसाओ काम क्रोध रोह मोह करत बचा के आवी दे पवित्र चरणां कमलां दी प्रीति बख्शो। आप जी की पवित्र हजूरी भी संगता वालों कड़ा प्रसाद जी देख हाजर आप जी भोग लाओ भोल के शीत प्रसाद सर्व संगत को वरते जो जिसके सुभाव जी का नाम जपे आईया संगता की हाजरी तिल फुल भेटा व्यर्थ प्रवान करो सही गुरमुख पैरे मेलो जिन्हें मिलया बिना मुठे पैर चितावे कला वाहिगुरु जी की वरते धन श्री गुरु नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह बोले सोनिहाल सत श्री अकाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी दंडौत वंदने अनक बार सर्व कला समर्थ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ जेता समुंद सागर नीर भरिया तेते औगण हमारे दया करो किस मेहर पावो डुबदे पत्थर तारे। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ सोरठ महला पंजवा गुर के चरण बसेरद पीतर सब लखण प्रभ कीने पै कृपाल पूर्ण परमेश्वर नाम निधान मन चीने गुर के चरण बसेरद पीतर सब लखण प्रभ कीने पै कृपाल पूर्ण परमेश्वर नाम निधान मन चीने मेरो गुर रखवारो नीत दून चौनी देवड़ाई सोबा नीता नीत राम जी जंत प्रभु सगल उधारे दर्शन देखण हारे गुरपुरे की अचरज वड्याई नानक सद बलिहारे जी जंत प्रभु सगल उधारे दर्शन देखण हारे गुरपुरे की अचरज वड्याई नानक सत बलिहारे वाहे गुरु।
वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह।